अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शाशलिक विद एग फ्राइड राइस की रेसिपी। अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले से कर लें तो बहुत ही इजीली आप इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे बनाकर रेडी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट से भी बेस्ट बनकर रेडी होता है घर पे ही। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चावल को भिगा देते हैं। तो एक बाउल में मैंने पानी लिया हुआ है और 3 कप मैंने बासमती राइस लिया हुआ है। इसे अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करके इसे भिगा देंगे हम 30 मिनट के लिए। और चावल जब तक भीग रहे हैं हम चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया हुआ है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून काले मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर। कलर ऑप्शनल है बट इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसका। और 2 टेबल स्पून डालेंगे विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके इसे रख देंगे हम 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। और अब चावल को हम बॉईल करेंगे। तो एक पतीली में मैंने लिया है 3 लीटर पानी, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 2 टेबल स्पून नमक और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। जब बॉईल आ जाए तो इसमें जो हमने चावल भिगा के रखे थे उस चावल को इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे हम कुक कर लेंगे। ये देखें, जब चावल हमारे कुक हो जाए तो इसे हम छान लेंगे और छान कर रख देंगे अभी इसे हम साइड में। और अब एक पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून तेल, 6 अंडे मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप अंडे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची का पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। आप चाहें तो विदाउट अंडे के भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद है तो, लेकिन अंडे को डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। और जब ये अंडे फ्राई हो जाए तो अभी इसे निकाल कर रखेंगे साइड। और एक पैन में अब लेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ डालेंगे अदरक लहसुन और कुछ सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि जिसकी कच्ची स्मेल है वो निकल जाए। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप प्याज। तो ये मैं इसमें ग्रीन प्याज का यूज़ कर रही हूँ तो उसका वाइट पार्ट मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो अब इसमें डालेंगे हम 1 कप पत्ता गोभी, 1 कप गाजर और 1 कप शिमला मिर्ची। आप इसमें अपनी पसंद के कोई से भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है। और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची। और इसके टेस्ट को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे राइस और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 4 टेबल स्पून डालेंगे डार्क सोया सॉस और 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक। और जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे इसे भी ऐड कर देंगे। और 1 कप डालेंगे इसमें हम ग्रीन अनियन और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें और ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे और मिक्स करके अब इसकी लीड लगा देंगे। और लीड लगा कर इसे 5 मिनट तक रख देंगे हम लो फ्लेम पे कुक होने के लिए। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, एग फ्राइड राइस हमारा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। तो अभी इसे रखते हैं साइड। तो फ्राइड राइस हमारा बन के रेडी है, अभी हम चिकन शाशलिक बनाते हैं। तो एक पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून तेल और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन। कुछ सेकेंड्स के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे मीडियम फ्लेम पर हम 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि चिकन जो हमारा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो ये देखें चिकन हमारा गल चुका है, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। और अभी इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लिया हुआ है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची। टमाटर के बीज निकाल कर इसे क्यूब्स में कट कर लें। सारे ही वेजिटेबल्स को मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। और अब इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट जब हो जाएंगे तो अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून डालेंगे शक्कर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर। कलर ऑप्शनल है, बस कलर के लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी, सिंपली मिक्सर के जार में डालकर इसे इसका पेस्ट बना लें। और 1 कप डालेंगे इसमें हम टोमेटो केचप और 3 टेबल स्पून डालेंगे डार्क सोया सॉस, 3 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर को हमें 1 कप पानी में डालकर इसका अच्छे से घोल बना लेना है, फिर इसके बाद इसमें डालना है। बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी और पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम कुक कर देंगे।
तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चिकन शाशलिक हमारा बन के रेडी हो चुका है और अभी से हम गर्मा गर्म कर लेंगे सर्व। तो 1 कप राइस लेंगे और 1 कप इसमें डालेंगे हम चिकन शाशलिक। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में, यकीन करें। तो ये मजे की रेसिपी खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घर पर खुद ही बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।